गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आज आपके लिए बहुत ही खतरनाक एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा अपने भाई को। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फोटो को ऑटो डेस्क में शेयर कर लेंगे और देखिए ये हमारा फोटो रहा। अब यहाँ पे हम लोग स्क्रीन को तो हल्का सा स्मूथ करेंगे। चलिए बताते हैं कैसे। इस वाले ब्रश को यूज़ करेंगे और इसका सेटिंग कुछ इस प्रकार रहेगा। साइज़ को आप अपने मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब अपने स्किन को हम लोग स्मूथ करेंगे और आप भी यही वाला ब्रश यूज़ कीजिएगा क्योंकि इस ब्रश से आपका वो जो लाइनिंग होता है ना इस ब्रश से नहीं आता है। काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं कि भाई मैं स्मूथ करता हूं तो मेरे फोटो में लाइनिंग आ जाता है, तो इस वाले ब्रश को यूज़ कीजिएगा, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और देखिए अब हमारा स्किन काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब अपने फेस पर हम लोग थोड़ा बहुत अप्लाई करेंगे, ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे फेस पर अगर टेक्स्चर नहीं रहेगा तो फोटो खराब हो जाएगा। फेस को थोड़ा बहुत स्मूथ कर लेंगे, जहाँ पे हमको नीड है वहीं पे स्मूथ करेंगे। बस अपना स्मूथिंग का काम तो कंप्लीट हो गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि गोरा कैसे करते हैं अपने फेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर वाला ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर इस व्हाइट वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग सॉफ्ट लाइट पे कर लेंगे। उसके बाद से कलर वाले ऑप्शन पे चलेंगे और यहाँ से कलर पिकर को उठाएंगे और अपने बॉडी में वहाँ पे छोड़ देंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट हो अपने बॉडी में, वहाँ पे इसको छोड़ देंगे। उसके बाद से इसके लुमिनियस को बढ़ा लेंगे ताकि हमारे फोटो में और भी ब्राइटनेस एड हो जाए। अब हम लोग अपने ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये वाला ब्रश हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और इसके सेटिंग को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ इसके साइज को अप डाउन कर सकते हैं आप अपने फोटो के मुताबिक। इसके बाद से देखिए अपने फोटो को हम लोग जूम करके कुछ इस प्रकार का अपने पूरे बॉडी पे अप्लाई कर लेंगे। और ऐसे ही छोटा छोटा ट्रिक्स में शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो भी चेकआउट कर लीजिएगा आप। अब देखिए हमारा फेस काफी अच्छा गोरा हो चुका है और कुछ ज्यादा ही गोरा हो चुका है, तो इसको लिए लेयर वाला ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से इसके ऑपेसिटी को कम बेस कर सकते हैं। आप अपने फोटो के मुताबिक आप खुद रख लीजिएगा जितना आपको चाहिए। इतना कंप्लीट करने के बाद फिर से यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और एक और लेयर बना लेंगे और इसके भी ब्लेंडिंग मोड को हम लोग सॉफ्ट लाइट पे कर लेंगे। फिर कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग रेड कलर चूज कर लेंगे कुछ इस प्रकार का, देखिए, और यहाँ से डन कर लेंगे। और सेम वही वाला ब्रश हम लोग यूज़ करेंगे और इसके बाद से अपने फोटो को हम लोग कुछ इस प्रकार जूम करेंगे और ब्रश के साइज को छोटा कर लेंगे और उसको कुछ इस प्रकार से अपने आँखों पर पेंट कर लेंगे जिससे कि हमारा आँख लाल कलर हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लुक हमारे फोटो में इसे आ जाएगा। और ये भी देखिए काफ़ी गाढ़ा कलर हो चुका है, जिसके लिए हम लोग लेयर वाला ऑप्शन पर जाएंगे और इसके भी ऑपेसिटी को यहाँ से थोड़ा कम कर लेंगे। अब देखिए काफ़ी अच्छा लुक ऐसे आ रहा है अपने फोटो में। और अब हमारा ऑटो डेस्क का काम कंप्लीट हो चुका है, तो अपने फोटो को हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए अपने लाइट को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, जिसके लिए हम लोग लाइट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को माइनस के साइड रख लेंगे और उसके बाद से शेडो को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और ब्लैक को माइनस के साइड रख लेंगे। फिर कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को भी थोड़ा सा प्लस के साइड रख लेंगे। इसके बाद से कलर मिक्स वाले टूल पे चलेंगे और यहाँ से देखिए रेड और ऑरेंज कलर को छोड़कर सभी के सैचुरेशन को -100 कर लेंगे, जिससे कि हमारे फोटो में काफ़ी अच्छा एक ब्लैक टोन आ जाएगा। फिर अपडेट करेंगे और उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर चलेंगे और यहाँ से देखिए अपने फोटो में क्लियरिटी थोड़ा ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे फोटो में और भी क्लियरिटी आ जाएगा और टेक्सचर को भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे अपने फोटो में। और विग्नेट को थोड़ा माइनस के साइड ले जाएंगे, जिससे कि और भी हमारे फोटो में डार्क हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलेंगे और यहाँ से अपने फोटो में थोड़ा सा शार्पनिंग ऐड कर लेंगे और यहाँ से हम लोग फिर से अब डन कर लेंगे। उसके वजह से देखिए अब हमारा फेस काफ़ी वाइट हो चुका है, जिसके लिए टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और कलर मिक्सर वाले ऑप्शन पे चलेंगे और यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे और इसके सैचुरेशन को प्लस के साइड थोड़ा सा लेकर जाएंगे। और अब देखिए हमारे फोटो में काफ़ी अच्छा एक टोन क्रिएट हो चुका है, तो फिर अपने फोटो को हम लोग पिक्सआर्ट के अंदर शेयर कर लेंगे और यहाँ पे कुछ हम लोग PNG ऐड करेंगे, जिसके लिए स्टिकर वाले ऑप्शन पर चलेंगे और यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे ब्लड। और देखिए काफ़ी अच्छा अच्छा PNG आ जाएगा, जिसमें से मैं इस वाले PNG को ऐड कर लूँगा और इसको अपने हाथों पे कुछ इस प्रकार से अप्लाई कर लेंगे और ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई पे कर देंगे। इसके बाद से एक और हम लोग PNG को ऐड करेंगे, देखिए इस वाले PNG को ऐड कर लेंगे और इसको कुछ हाथों पर कुछ इस प्रकार से अपने अप्लाई कर लेंगे। फिर हम लोग स्टिकर वाला ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे टैटू फॉर हैंड और यहाँ पर भी बहुत सारे PNG आ जाएंगे, जिसमें से मेरे को ये वाला PNG अच्छा लग रहा है, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे और इसके साइज को एडजस्टमेंट करके हाथों पर कुछ इस प्रकार से अप्लाई कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो इरेज कर लेंगे। इरेज कर लेने के बाद यहाँ से भी डन करेंगे और इसके ऑपेसिटी को थोड़ा कम कर लेंगे, जिससे कि हमारा टैटू रियलिस्टिक लगे। और उसके बाद से यहाँ से भी आप लोग डन कर लेंगे, फिर से स्टिकर वाले ऑप्शन पे चलेंगे और हम लोग एक और PNG ऐड करेंगे, जिसके लिए हम लोग सर्च करेंगे नियोन
बटरफ्लाई। और यहाँ से भी देखिए इस वाले PNG को ऐड कर लेंगे और ये उल्टा है तो जिसके लिए हम लोग फ्लिप वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ से डुप्लीकेट ऑप्शन करके इसको दो तीन कॉपी करके कुछ इस प्रकार अपने फोटो पे अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई कर लेने के बाद यहाँ से इसको डन कर लेंगे और अब हमारा फोटो रेडी हो चुका है तो अपने फोटो को हम लोग यहाँ से सेव कर लेंगे अपने गैलरी में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टा पे भी अपने भाई को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।